बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और यामी गौतम की फिल्म उरी सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में विकी कौशल ने आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई है। फिल्म पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए की गई सफल स्ट्राइक की दास्तां है। यह फिल्म काफी शानदार है, जो न केवल फैंस से रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर देगी। ये फिल्म भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को बयां करती है और खूबसूरती के साथ भारतीय सेना की शौर्य गाथा बयां करती है। 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हुए थे, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फिल्म उसी रात की कहानी को पर्दे पर दिखाती है। इस फिल्म में परेश रावल, कृति कुलहरी और मोहित रैना का भी अहम रोल है। इसमें परेश रावल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का रोल में नजर आए हैं। फिल्म के डायलॉग जोशीले हैं, जैसे आज तक हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझा जाता है, मगर अब नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। देशभक्ति से भरे डायलॉग्स आज भी युवा पीढ़ी को जोश में भर देंगे। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने किसी मूल पर हमला वार नहीं किया है। 1947, 56, 71, 99 यही मौका है उन्हें दिल में डर बिठाने का। इस डायलॉग के साथ शुरू होती है पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग। फिल्म में न सिर्फ विकी कौशल बल्कि यामी गौतम भी दमदार रूप में दिखाई देती है। आदित्य धार ने शानदार तरीके से एक चुनौतीपूर्ण काम को स्क्रीन पर अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कहानी शुरू होती एक मिशन से। मेजर विहान शेरगिल यानी विकी कौशल और कैप्टन करण कश्यप यानी मोहित रैना मणिपुर में कैंप पर आतंकियों के हमले का जवाब देते हैं। विहान शेरगिल ऐसे जवान है जो युद्ध नीति में पारंगत है। विहान की माँ को अल्जमाइस है, इसलिए वह बॉर्डर में दिल्ली से सूचना केंद्र में पोस्टिंग लेते हैं। तभी उरी में एक आतंकी हमला होता है जिसमें 19 जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला सत्ता को हिला देता है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बने परेश रावल प्रधानमंत्री से बात करते हैं और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात करते हैं। पीएम की ओर से मंजूरी मिलते ही और शुरू होती है खात्मे की जंग। आपको बता दें कि फिल्म में गाने तीन हैं और तीनों ही परिस्थितियों पर आधारित है। संगीत सरसद सचदेव ने दिया है, गाने में जान फूकने का काम करती है। छल्ला देशभक्ति का रंग दिखाता है तो वह चला गाना आंखें नम कर देती है। वही तीसरा गाना जिगरा मोटिवेशनल सॉन्ग है। ये फिल्म आपको कितना पसंद आ रही है ये फिल्म हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें कि तेज न्यूज लाइव इस फिल्म को 4.5 स्टार देता है।